शौर्य से बात करेंगे, परी शौर्य क्या करने वाले हैं आज, और ये जो 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 करेंगे ना, मैं अभी आप लोगों को उसका सामान भी दिखाऊंगी। तो क्या करने वाले हो भाई आज? हम कुछ मतलब वेजिटेबल चैलेंज कर रहे हैं, जो कि हमें स्कूल से मिला हुआ है, वो आज हमको पूरा करना है हमें, और स्कूल में भी भेजना है। तुम्हें क्या स्टार्ट करते हैं? तो इनको देखो क्या क्या सामान लेना है। इनको ये लेनी है एक प्लेट, एक प्लेट ये है, और एक प्लेट ये है, और ये नाइफ है, और ये पैन है, और ये रहा सलाद। सलाद में है खीरा और टमाटो, और कुछ चीज़ें और चाहिए जो कि नहीं है इनके पास, बट हम उनको इन कागज़ों से बनाएंगे, मतलब कि जो ड्राइंग शीट है इससे ही बनाएंगे। तो आप लोग देखते रहना और ये किस तरीके से करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, फटाफट से। तो चलिए चलो भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं बच्चों की हेल्प करवा रही थी, परी खीरे छील रही थी, पर उससे छिल नहीं रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं ही छिलवा देती हूँ, क्योंकि इतनी हेल्प तो करवा सकते हैं बच्चों की। बाकी इन्होंने यूट्यूब में से कुछ देखा था, तो उसको ये तैयार करेंगे, बस मैं इनकी कटिंग में और छीलने में हेल्प कर दूँगी, बाकी ये सब अपने आप करेंगे। और मम्मियों को इतनी हेल्प तो बच्चों की करवा ही देनी चाहिए। बाकी बच्चों को ना कोई भी एक्टिविटीज़ मिलती है ना, तो मैं बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ, और पता है क्या, मैं इनको बताती रहती हूँ कि ये इस तरीके से करो, इस तरीके से नहीं करो, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, कभी कभी गलत कर जाते हैं थोड़ा सा, तो फिर उनकी हेल्प कराना भी ज़रूरी है। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं बच्चों की हेल्प कराऊं, मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि हम भी अपने स्कूल में इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते थे, और अच्छा भी लगता है कि और आज इनके पापा होते तो शायद वो इनकी हेल्प करवाते, अच्छा लगता। मैं अगर काम कर रही होती तो वो इनकी हेल्प करवा देते, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बोला कि मैं बच्चों के लिए हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहूँगी, चाहे वो बाहर का काम हो, चाहे घर का काम हो, और चाहे कैसा भी काम हो, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे वो सब कर पाएँ जो ये अपने पापा के सामने कर सकते थे। मैं इनके लिए हर समय, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हर चीज़ में, हर लाइन में होशियार निकलें, हर चीज़ वो कर पाएँ जो ये चाहते हों। तो मैं इनकी हर चीज़ में हेल्प करती रहती हूँ, और स्कूल में मैं इनसे हमेशा ये बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ हुआ करे तो उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर किया करो, क्योंकि पार्टिसिपेट करने से क्या होता है कि बच्चे की जो झिझक होती है वो खुल जाती है, और बच्चा हमारा और आगे और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करता है। तो मैं परी की ना आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगी किस दिन, आज तो नहीं, लेकिन किस दिन और दूसरे व्लॉग में मैं आपको परी ने क्या चीज़ें बनाई हैं यूट्यूब में से देख देख के, इसको स्कूल में दिखानी थी। तो अच्छी बात होती है कि बच्चों की अगर मम्मियाँ हेल्प कर देती हैं तो बच्चा और उन चीज़ों को बेटर बना पाता है। और आप लोगों को पता ही है कि मुझे तो इनकी मम्मी पापा दोस्त सभी बनना है, तो मैं चाहती हूँ मैं इनकी हर खुशी को पूरा करता हूँ। हेल्प कर दी है, और अभी आप लोगों को अपने आप बना के दिखाएंगे, तो आप लोग ज़रूर देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि बच्चों ने कैसा बनाया। कटिंग मैंने इसलिए कर दी है क्योंकि बच्चों के, आप लोग समझ सकते हैं कि चाकू से बच्चे कहीं कट वट ना जाए, तो इसलिए मैंने कटिंग कर दी है। और मैंने यहाँ पर देखो ये कट कर दिया है, और बच्चे ये अब अपने आप बनाएंगे। तो चलिए आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना था बच्चों ने कैसा बनाया है, ठीक है? तो यहाँ पे परी और शौर्य बना रहे हैं, तो परी सीधा बना रही थी, तो मैंने परी से मना किया, मैंने कहा थोड़ा सा टेढ़ा बनाओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे देखो दोनों लगे पड़े हैं, और अच्छा लगता है बच्चों की हेल्प करवाना, और जब बच्चों की जब हम हेल्प करवाते हैं और बच्चा उन चीज़ों में आगे निकलता है, और बच्चों की सब लोग तारीफ़ करते हैं, तो ऐसा लगता है वो तारीफ़ हमारी हो रही है, और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। तो यहाँ पे परी आंखें बना रही थी, क्योंकि आंखें मिली नहीं थी, और आंखें मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि ड्राइंग शीट से आंखें बना लेंगे, तो परी ने कहा ठीक है। वैसे तो मार्कर वगैरह से भी बन सकती थी, बट थोड़ा सा वाइट वाइट सा भी दिखना चाहिए था, तो परी ने कहा ठीक है मम्मी इससे बना लूँगी मैं। और अच्छा लगता है बच्चों के साथ काम करवाना, और आप लोग भी बच्चों के साथ, बच्चा कभी पढ़ाई करे या बच्चा कोई एक्टिविटीज़ करे, तो मेरा तो यही मानना है कि बच्चों के साथ माँ को ज़रूर बैठना चाहिए, क्योंकि बच्चे को अभी, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तो अभी इनको इतनी नॉलेज नहीं होती है जिससे कि इनको तो यहाँ बच्चों का ये है ना ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुका था, तो परी को जो परी ने ये बनाया था, मुझे तो इसका नाम नहीं पता। तैयार हो गया है, क्या कहते हैं परी से? कैटरपिलर।
कैटरपिलर परी का तैयार हो गया है और इसका मुंह परी ने कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया है। तो ये देखो, और ये ऊपर से इसके बाल हैं थोड़े थोड़े। ये देखो शौर्य का भी रेडी हो गया है, इसको क्या कहते हैं, स्नैक। स्नैक, ये शौर्य का स्नैक है, स्नैक सांप मतलब की। और अभी इनको फ्लावर और बनाना है तो वो भी बनाते हैं जल्दी से। चलिए यहाँ बच्चों को एक पेड़ बनाना था, तो जो ये पेड़ की टहनी है ना, ये बच्चों ने खीरे के छिलके से बनाई है और दोनों लोग मिलके बहुत अच्छा बना रहे थे क्योंकि इन्होंने एक ही बार देखा था। फिर मैं फ़ोन से वीडियो बनाने लग गई थी तो बच्चों को देखने का टाइम नहीं मिला क्योंकि फिर बीच में ना प्रॉब्लम हो जाती है वीडियो को बीच में से रोकने में। और देखो आप कितना अच्छा कर रहे हैं। बाकी परी मछली भी बनाना चाह रही थी लेकिन मछली के लिए और भी सामान चाहिए था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो घर में है उसी से बना लो। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि बच्चों ने कैसा बनाया, और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना ताकि बच्चों का हौसला है ना जो और बढ़े। और क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को स्कूल में तो सब लोग अच्छे बोलेंगे ही बोलेंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं परी की एक्टिविटीज़ में स्कूल में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हूँ, वो बहुत परी शौर्य की हेल्प करती हूँ, तो उनकी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी जाती हैं, तो सच में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सो प्लीज़ आप लोग भी बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करना ताकि उन लोगों को बहुत खुशी हो और उन्हें अच्छा लगे। और मेरे हिसाब से बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया है, एक बार देखने के बाद दोनों बच्चे मिलकर काम कर रहे थे। और इस तरीके की एक्टिविटीज़ बच्चों को करनी चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें घर में भी काम आती हैं, और ये घर में भी काम आती हैं, और ये बच्चे ना इस तरीके की चीज़ें सीखते हैं तो कल को आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है तो बच्चे कुछ नहीं तो घर खाने को अच्छे से डेकोरेट करना, और बच्चों को ना छोटे से ही सारी चीज़ें सिखानी चाहिए, मेरा मानना तो ये है। मैं अपने परी शौर्य को घर के काम भी थोड़े थोड़े सिखाती हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बच्चों को करना पड़ता है। अभी बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी तो बच्चों ने बहुत हद तक अपना काम संभाल लिया था। और ऐसा कुछ नहीं होता कि बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, पता है आप लोगों को गाँव के जो बच्चे होते हैं वो कितना काम करते हैं और कितने एक्टिव होते हैं, तो ये मत सोचिए कि बच्चा ये काम नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। हाँ, नहीं कर पा रहा है तो आप उसकी हेल्प करिए, अगर आप उसकी हेल्प करेंगे तो वो हर काम कर लेगा क्योंकि जो फर्स्ट टीचर होते हैं बच्चे के वो माँ बाप होते हैं। अगर माँ बाप उसको हर काम के लिए फोर्स करेंगे तो बच्चा ज़रूर कर लेगा, और ये मेरा मानना है क्योंकि मुझे पता है कि हमें बहुत से काम नहीं आते थे तो हमारे पापा हमें हमेशा यही बोलते थे कि बेटा कभी किसी काम से पीछे नहीं जाना चाहिए, आप ये कहोगे कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे तो आप उस काम को ज़रूर कर पाओगे। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हर चीज़ में आगे निकले, हर काम कर पाएँ और अपने दादी का, बाबा का और अपने पापा का नाम रोशन करे। कल को कोई ये ना कह पाए कि इसके पापा नहीं थे तो इनके बच्चों ने कुछ नहीं किया, पढ़े नहीं लिखे नहीं। तो मैं यही चाहती हूँ, सच में भगवान से मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरे बच्चे हर चीज़ में आगे निकलें, और कल को कोई मतलब ये ना कह पाए कि माँ ने अच्छी परवरिश नहीं दी, माँ ने अच्छा पढ़ाया नहीं, अच्छा लिखाया नहीं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का, मेरे सास का, मेरे ससुर का और मेरा कहीं मेरे बच्चे सर ना झुकाएं, बस मैं यही चाहती हूँ। और मुझे पता है मेरे बच्चे ऐसा कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि जो संस्कार होते हैं ना बच्चों के वो माँ बाप से आते हैं, और मैं कभी भी बच्चों को कोई गलत शिक्षा नहीं देती हूँ। अगर बच्चे कोई गलत काम करते हैं तो मैं उनको वहीं डांट देती हूँ, और इतना तो मुझे अपनी परवरिश पे विश्वास है क्योंकि हमारे पापा ने हमें बहुत अच्छी सीख दी थी और आज वही सीख हमारे अंदर है। और बस मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, तो बस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और देखो यहाँ पे हम कितने अच्छे से मज़े से सलाद खा रहे थे, तो यहाँ पे इतनी अच्छी डेकोरेशन करी, इतनी मेहनत लगी और अब उस सलाद को हम खा रहे हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो यहाँ पे शौर्य मस्ती कर रहा था, कह रहा था बनाने के बाद देखो मम्मी खाना है हमें ये। तो चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।